नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। रामलला को अर्पित किए गए 1051 ग्रंथ 15 अप्रैल को संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत करेंगे इनका लोकार्पण। राष्ट्रीय प्रमुख मित्र मंत्र ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर की मांग। श्री गीता जी और श्री रामचरितमानस राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ हो घोषित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान मार्गों पर लगेंगे 50 हेल्थ एटीएम, जांचेंगे यात्रियों का स्वास्थ्य। दिन रात चलने वाले इन एटीएम में 70 प्रकार की होगी जांच। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री धामी करेंगे शुरुआत। स्वरोजगार की प्रेरणा बनी कानपुर की अंशिता कुशवाहा। जैविक खाद से बेजान मिट्टी में डाली जान, हजारों कमाकर बन रही हैं स्वावलंबी। यूपी के पीलीभीत में गांव की आशा देवी ने जलकुंभी से बनाया आत्मनिर्भरता का रास्ता। महिलाओं के साथ मिलकर बना रही कई प्रकार की घरेलू सामान, हर महीने हो रही है हजारों की कमाई। काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच मां श्रृंगार गौरी मंदिर में सैकड़ों भक्तों ने की विग्रहों की पूजा अर्चना। इस मामले में जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। देहरादून में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर गांव में तैनात होंगे 30,000 से अधिक जल मित्र। चयनित युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मथुरा की संस्कृति विश्वविद्यालय में कश्मीरी छात्रों के खुले में नमाज पढ़ने का वीडियो आया सामने। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, बोले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। यूपी के सहारनपुर में लगा रोजगार मेला। देवबंद के दून वैली पब्लिक स्कूल में 10 कंपनियों के अधिकारियों ने लिया छात्रों का साक्षात्कार। 18 से 35 साल के युवा हुए सम्मिलित। काशी में गांव की बेटियां बन रही लहंगा डिजाइनर। सरकारी कॉलेज की 40 लड़कियों को मिली उनके टैलेंट पर आधारित नौकरी। आज हर महीने कमा रही है 8 से 10 हजार रुपए। आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।